हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं शुभम नोटियाल। तो अगर आप भी गैट ऐप से किसी प्रोडक्ट को रिडीम करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी दिनों से, लेकिन जब स्टॉक आता है आप उस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो और वहां पर उस कैप्चा को फिल करते हो, तब तक वो प्रोडक्ट वहां से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल यही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे भी मी बैंड 4 को रिडीम करना था। 3-4 दिन से मैं उसको भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं उस कैप्चा को फिल करता हूँ वो प्रोडक्ट वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, इन सभी चीज़ों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को यार स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। तो बात करते हैं प्रॉब्लम क्या क्या आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ देखने को मिली और मुझे दिन में काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ हुई है आज जब मैं रिडीम कर रहा था। तो सबसे पहले होता क्या है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को रिडीम करने के लिए जाते हो और आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे ही स्टॉक में आ जाता है, तो आप जैसे रिडीम पर क्लिक करोगे तो होगा क्या, आपका सबसे पहले वहाँ पर नेटवर्क इशू दिखाएगा। और अगर नेटवर्क इशू हट जाता है और आप रिडीम पर क्लिक करते हो और कंफर्म पर क्लिक करते हो, तो वहाँ पर कैप्चा फिल करने के लिए नहीं दिया जाता। 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तब जाकर आपको कैप्चा फिल करने के लिए दिया जाएगा। और कैप्चा भी कुछ ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता और कई बार वो गलत आपसे हो जाता है, और जब तक आप उसे सही फिल करते हो तब तक वो प्रोडक्ट वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ हमें देखने को मिल रहा है और वो प्रोडक्ट वहाँ से हमको रिडीम करने के लिए नहीं दिया जाता। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या क्या इसके कारण है, इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे पहला मेन जो कारण है वो है इसकी टाइमिंग फिक्स हो जाना कि इस टाइम ये आपको मिलने वाला है। देखो, जब से मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद से कुछ दिन तक प्रोडक्ट सही से मिले, बट उसके काफ़ी दिनों बाद अब तक 3-4 दिन हो गए, इससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं। अब जब से ये टाइमिंग फिक्स हुई अब हो क्या रहा है, लाखों बंदे एक समय पर आकर बैठ जाते हैं और जब प्रोडक्ट आते हैं तो एक ही समय पर वो रिडीम करते हैं, तो वहाँ से कई बंदे रिडीम नहीं कर पाते। तो ये सबसे पहली समस्या है कि एक ही समय पर कई बंदों का आना और यहाँ से प्रोडक्ट को रिडीम करना, ये सबसे पहली समस्या है। अगर दूसरी समस्या की बात करें, क्या कारण है दूसरी समस्या, तो बात मुझे तो ऐसे लगती है कि जो ये प्रोडक्ट लाते हैं एक समय में उनका नंबर बहुत कम होता है। देखो, मैं अपनी बात करूँ, मैं मी बैंड 4 को 3-4 दिन से रिडीम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चाहे मैं कितनी भी फास्टली यहाँ से इसको रिडीम करने की कोशिश करूँ वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक ही शो करता है। तो मुझे नहीं लगता, ये मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये मी बैंड 4 का स्टॉक ला रहे हैं या नहीं भी ला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बंदों का मेरे पे कमेंट आता है कि भाई मैंने आज ट्रिमर यहाँ से रिडीम किया। अगर मैं मान लेता हूँ आपने ट्रिमर रिडीम किया तो आप काफ़ी बंदों में से एक बंदे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो ये यहाँ पर प्रोडक्ट ला रहे हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है 1-2 प्रोडक्ट ये स्टॉक में लाते हैं, और जब तक आप खुद समझ सकते हो यार, लाखों बंदे जब उसे रिडीम करेंगे एक बंदे को मिलेगा तो क्या फ़ायदा उसका। तो ये कुछ यार बहुत गलत कर रहे हैं गेटअप्स वाले, क्योंकि यहाँ से किसी को भी अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता USB केबल आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप यहाँ से रिडीम करेंगे। शायद वो आपको मिल जाए, कैजुअल बैग भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या कैजुअल बैग का, ये शेर से ऐप पर आपको मिलता है, जो आपको मैं रिकमेंड नहीं करता कि शेर से ऐप वाले आप यहाँ से किसी प्रोडक्ट को रिडीम करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ये भेजने भी वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बंदों के मेरे पर मैसेज आता है कि मेरे अब तक प्रोडक्ट जो शेर से ऐप वाले थे वो प्रोसेसिंग में ही दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुँचे हैं। तो ये तो भूल कर भी आप रिडीम मत करना इनके प्रोडक्ट। और जो ये प्रोडक्ट है, तो मैंने बताया इनका नंबर बहुत कम है जब तक आप इनको रिडीम करते हो, और मी बैंड का तो मुझे नहीं लगता एक भी प्रोडक्ट ही ला रहे हैं, क्योंकि आप जब तक कितनी भी तेज़ी से आप कर लो वहाँ से प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ही आपको दिखाने वाला है। और मैंने एक पोल भी रखा था जिसमें मैंने पूछा था कि आप कौन सा प्रोडक्ट यहाँ से रिडीम करना चाहते हो, तो वहाँ से 800-900 बंदों ने वोट किया और सबसे ज़्यादा उनकी जो चॉइस थी वो थी मी बैंड 4। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ से अभी प्रोडक्ट रिडीम ही नहीं हो रहा है। और अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ यहाँ से प्रोडक्ट रिडीम किया हो तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि इससे पता लग सके कि कौन कौन से प्रोडक्ट रिडीम हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट नहीं हो रहे हैं।
और मी बैंड 4 के बारे में बताना, अगर आप में से किसी ने कोशिश की और रिडीम किया तो ज़रूर बताना कि वहाँ से वो रिडीम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या दिखाने के लिए ये स्टॉक लाया जाता है। तो मुझे इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि ये जो नंबर ऑफ इनके प्रोडक्ट है वो बहुत कम है, और मुझे तो नहीं लगता कि आ भी रहे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप फिल करते हो वो यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं। तो मुझे अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है गेट ऐप्स के बारे में, ये स्कैम चल रहा है इनका कुछ भी, बस ऐसे ही बस दिखा रखा है और यहाँ से प्रोडक्ट रिडीम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो अपनी राय ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, और यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और गेट ऐप्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो जाकर विजिट करें और वहाँ से जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।